हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मास तक पर। तो फ्रेंड्स, आखिरकार इंतज़ार खत्म हुई और साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड ने अपना पहला पैनल लिस्ट जारी किया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि पहला पैनल लिस्ट में कितने लड़कों का नाम आया है, कितने कैंडिडेट, कितने अभ्यर्थियों का नाम आया है, और फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया। इससे पहले जो भी भाई नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि साउथ ईस्टर्न रेलवे बोर्ड ने पहला पैनल में कितने कैंडिडेट का दिया है रिजल्ट और क्या क्या इन्होंने मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट न्यूज़ जो दिया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड की तरफ से, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या मेंशन किया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, गार्डन रिच, कोलकाता 7004। वेबसाइट दिया है फ्रेंड, प्रोविजनल पैनल पार्ट वन अगेंस्ट CEN नंबर RRC 1/2019 लेवल वन पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ उन्होंने मेंशन किया है बेस्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRBS एंड फिजिकली इफिशेंसी टेस्ट कंडक्टेड फ्रॉम 17/1/2023 to 21/1/2023 एट सिरसा स्टेडियम खड़गपुर फ्रॉम नॉन PWD कैंडिडेट बाई साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफ द लेवल वन, यानी कि नॉन PWD कैंडिडेट है जिनका स्टेडियम में जो 17/1/2023 से 21/1/2023 तक फिजिकल चला था फ्रेंड्स, उनका रेलवे फॉर द लेवल वन पोस्ट ऑफ 7 CPC रेलवे कमीशन पे कमीशन CPC अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC 2019। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव बीन कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जेन्युइनिटी ऑफ कैंडिडेचर ऑफ द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ 13/2/2023 to 27/2/2023, यानी कि जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था फ्रेंड्स, एंड अब्सेंस वेयर कॉल्ड ऑन जो अब्सेंट कैंडिडेट थे उनका 1/3/2023 को बुलाया गया था, उनका मेडिकल कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जेन्युइनिटी ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन कंप्लीशन ऑफ ऑल अदर प्रोड्यूसर लेड डाउन बाय रेलवे बोर्ड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे हेयर डिक्लेयर्ड द प्रोविजनल पैनल पार्ट वन कंसिस्टेंट ऑफ 1,500 नॉन PWD कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि यहाँ 1,500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नॉन PWD कैंडिडेट है और जिनका 17/1/2023 से 21/1/2023 तक फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट चला था सिरसा स्टेडियम ग्राउंड, और जिनका मेडिकल कंडक्ट हुआ था, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट हुआ था फ्रेंड्स 13/2/2023 से लेकर 27/2/2023, और जो अब्सेंट थे उनका 1/3/2023 में जो मेडिकल और DB कंप्लीट हुआ था, ये उन्होंने बताया था कि जो नॉन PWD कैंडिडेट है उनका है। और देखिए यहाँ पर सेकंड कॉलम में क्या है कि अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट डिवीजन यूनिट सेल बी डिसाइड इन ड्यू कोर्स एंड सेल बी सब्जेक्ट टू एवेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, मतलब जिस डिवीज़न में जितनी वैकेंसी होगी, अवेलेबिलिटी होगी, उसके अंतर्गत इनको सीटों का अलॉटमेंट क्या है, रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस, और मेडिकल फिटनेस आपका कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन ETC, मतलब इसी के आधार पर वैकेंसी किस डिवीज़न में कितनी है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल फिटनेस कितना है, और डिवीज़न में उस मेडिकल फिटनेस के आधार पर कितनी सीट उपलब्ध है उसके आधार पर दिया गया है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट सेल बी डिस्पैच बाय रिस्पेक्टिवली डिवीज़न यूनिट, यानी कि आप लोगों का जो ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर है वो डिवीज़न की तरफ से आप लोगों के पास भेजा जाएगा। मेरिट एंड रैंक सेल बी डिक्लेयर एट ए लेटर स्टेज, यानी कि मेरिट और रैंक आप लोगों का देर में डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर फोर्थ नंबर में देखिए गैस मेंशन किया गया फ्रेंड्स, द रिजल्ट ऑफ सम कैंडिडेट्स दोज हु आर इन मेरिट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ मेडिकल फिट सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो द केस विच वी आर नॉट क्लियर एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज। हाउएवर वाइल पब्लिशिंग द पैनल देयर मेरिट पोजिशन वॉज kept in view and once their cases are cleared they will be restored their actual merit position। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि चार नंबर में कहा गया है द रिजल्ट ऑफ सम कैंडिडेट दोज हु आर मेरिट हैज़ नॉट बीन, जिसका मेरिट नहीं क्लियर हुआ है ड्यू टू नॉन रेस्पेक्टिव ऑफ रिसिप्ट ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला, एंड ऑल्सो दिस केस विच वी आर नॉन क्लियर ऑफ
एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज। तो फ्रेंड्स यहाँ चार नंबर में कॉलम में देखा गया है कि इन लोगों का जो अभी नहीं हुआ है, तो उन लोगों का अभी, जिन लोगों का अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वो अभी उनका रिजल्ट बाद में दिया जाएगा। फ्रेंड्स पाँच नंबर कॉलम में देख सकते हैं, वाइल ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे रिजर्व द राइट टू मेक अमेंडमेंट टू प्रोविजनली डिक्लेयर्ड पैनल एट एनी सब्सिक्वेंटली स्टेज। मतलब पैनल किसी भी स्टेज पर इन लोग अपने हिसाब से, जोन के हिसाब से साउथ ईस्टर्न रेलवे रिजर्व उनका राइट है कि वो पैनल कभी भी किसी वक्त भी पैनल को चेंज भी कर सकते हैं और सीटों को बढ़ा घटा सकते हैं। इफ़ एनी डिक्रीज ऑफ मेल प्रैक्टिसेस, इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसीज ऑफ मेल प्रैक्टिस इज नोटिस्ड टू ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ RRC एंड एनी स्टेज RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे रिजर्व द राइट टू रेस्टिफाई। यानी कि फ्रेंड्स की किसी भी तरह का कदाचार या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डिक्लेयर एनी कैंडिडेट अनसक्सेसफुल फॉर डिलीट नेम, यानी कि अगर कदाचार में किसी भी तरह आप पाए जाते हैं तो उनका कैंडिडेट से रद्द हो जाएगा। फ्रेंड्स यही पाँच नंबर कॉलम में कहा गया। और छः नंबर में बात करें तो द डिसीजन ऑफ RRC SER इज द मैटर शैल बी फाइनल, माने जो डिसीजन होगा RRC SER का वो उनका फाइनल डिसीजन होगा। दिस इज द ओनली प्रोविजनली पैनल एंड नॉट द फाइनल पैनल, यानी कि ये प्रोविजनली पैनल है, पहला पैनल है फ्रेंड, और ये फाइनल पैनल नहीं है। इसके बाद और भी पैनल जारी होंगी विच डज नॉट कन्फियर अपॉन द कैंडिडेट एनी राइट टू अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विसेज। और यहाँ पर आठ नंबर कॉलम पर देख लीजिए कि RRC विल नॉट एंट्रेंट एनी इंडिविजुअल क्यूरीज इन दिस रिगार्ड। और डेट देख लीजिए फ्रेंड्स की 18/3/2023 और चेयरमैन RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें कि देख लीजिए यहाँ पर इन भाइयों का रिजल्ट, अभी जिन भाइयों का रिजल्ट हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको बहुत बहुत बधाई। और तो देख लीजिए यहाँ पर ये सारे रोल नंबर दिए गए हैं फ्रेंड्स, और अभी डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं किया गया है, डिवीज़न अलॉटमेंट इन लोगों का कर दिया जाएगा। और डिवीज़न अलॉटमेंट मेरिट और जो सीटों की अवेलेबिलिटी और उस डिवीज़न में मेडिकल के स्टैंडर्ड आपके, ये सब डिसाइड करेंगे फ्रेंड्स। तो जिन जिन भाइयों का अभी रिजल्ट हो गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। और फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं कि तीन पेज में 1500 कैंडिडेट का, अभ्यर्थियों का रिजल्ट दे दिया गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जिन भाइयों का हुआ है उनको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और कृपया चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।